इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर आई है फिलौर तो, जिथे कि दो बच्चों के प्यो वालों 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची नू अपनी हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची की माँ ने पुलिस को दी शिकायत में दसिया कि उसकी छोटी बेटी 17 साल की है तो 12वीं क्लास में पढ़ती है, जो कि देर रात पढ़ाई करन करके कमरे में इकली ही सौंदी सी। इस बारे जदों उन्होंने महल्ले रहने वाले पप्पू सिंह पता लग्या तो वह रात 1 बजे के करीब घर की कंध टप के अंदर दाखिल हो गया तो उसने उसकी धी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसने दसिया कि जदों वह रौला सुन के अंदर गई तो पप्पू सिंह उसनु धक्का मार के मकान की छत से चढ़ गया तो कोठे तो हेठा छाल मार दी, जिस नाल गंभीर रूप में जख्मी हो गया। थाना फलौर विखे मुकदमा नंबर 218 मिति 17 टिक्की अधीन धारा 376 IPC 48 पोस्को एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया, जिसके मुताबिक पप्पू सिंह पुत्र निर्मल सिंह वसी पंज डेरा जो कि इलाके के एक घर के रात को 17 तरीक की रात को जबरदस्ती दाखिल होकर एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म किया, जिस संबंधी असी मुकदमा रजिस्टर किया लेडी सब इंस्पैक्टर दविंदर कौर वालों। तो ये पप्पू सिंह की गिरफ्तारी पाई है, गिरफ्तार करने तो बाद असी लड़की का कंसर्न जो भी फॉर्मैलिटीज पूरी कर रहे हैं तो मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने तो बाद फॉर्मैलिटी क्लीयर करके जल्दी तो जल्दी असी चलान पेश दर्ज करा। सर जो दोषी है पता लगा जिदा इन्हें कोठे तो छाल मार दी भजया तो वे भी होया जी इदा भी गलबात कोई है? हाँ, ये जब इन्हें दुष्कर्म की तद परिवार वालों रिएक्ट करते छतों छाल मारी सी तो इस संबंधी सट्टा भी बजी। उधर थाना फिलौर के SHO संजीव कपूर ने दसिया कि पुलिस ने दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया है तो उस उपर जबर जनाह का परचा दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।